दोस्त मैं खुशी हूँ आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। रोती हुई प्रियंका को इस तरीके से संभाल लिया है अंकित गुप्ता ने। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइज जो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अर्चना ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसके बाद हर्ट हुई है प्रियंका, और प्रियंका ने जो है काफी सारी बातें जो है अंकित को भी सुना दी है कि तेरी वजह से मुझे ऐसा वैसा दूसरों के प्रति सुनना पड़ता है। और उसके बाद जो है अर्चना और प्रियंका जो है रूम में जाके बैठ जाते हैं और वहां पर प्रियंका अपने दिल का दर्द जो है बताती हुई नजर आती है, जहां पर काफी ज्यादा वो रोती है। इसी बीच में जो है वहां पर अंकित आते हैं, अंकित जो है उसको समझाते हैं बैठते, जैसे कि आप लोग को पता है कि अंकित जो है अभी घर के नए कैप्टन है, राजा है, और उसी दौरान ही वो उनका माइंड को थोड़ा सा टर्न करने के लिए जो है काफी सारे घर वालों के बारे में बताते कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रही है, वो ऐसा बोल रही है, वो वैसा बोल रही है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जहां पर वो हंसी मजाक की इतनी सारी बातें करते हैं, जहां पर प्रियंका हंसने लग जाती है और उनका मूड जो ऑफ होता है वो ऑन हो जाता है। और फिर उसके बाद अंकित जो है लेके जाके प्रियंका को बाहर गार्डन में काफी सारी बातें करते हैं और दोनों बहुत ही प्यार से जो है वॉक करते हुए भी नजर आते हैं। हालांकि प्रियंका को जो है अंकित का साथ चाहिए, पर कहीं ना कहीं प्रियंका को ऐसा लगता है कि अंकित की चुप्पी ने उनको विलन बना दिया है, तो वो कहीं ना कहीं ब्लेम कर रही है अंकित के ऊपर। और अंकित जो है ये चीजें उनको बता नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ एक ऐसी वर्डिंग चाहती है प्रियंका जो मुझे तो नहीं पता है कि जो उनको सेटिस्फाइड करे, पर अंकित वो बोल नहीं पा रहे हैं। हालांकि आपके क्या विचार है, क्या चाहती है अंकित से प्रियंका, कौन सी वर्डिंग चाहती है जिससे उनका माइंड रिलैक्स होगा, आप ही बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।